गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई मूविंग चार्ज होता है वो एंटर कर जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या ऐसी जगह जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कितना फोर्स लगाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, इम्पैक्ट स्टार्ट करने से पहले। ओके, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज के ऊपर फोर्स को लगाती है। लेटर ऑन मैं बताऊंगा आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स को लगाती है, और अगर चार्ज स्टैटिक हो तो कौन सी फील्ड फोर्स लगाएगी। ओके, और मूविंग हो तो कौन सी फील्ड फोर्स लगाएगी। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर कर लेते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आप ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन होता है, ओके, या वो फील्ड होता है जहां तक आप उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। यानी चार्ज के पास आप दूसरा चार्ज लेके आओ, ओके, अगर वो लाइक होगा तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और आप सिंपल वे में कहते हो कि पहला वाला चार्ज की फील्ड है जो दूसरे वाले चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो फील्ड होने का मतलब ये है कि जो फील्ड है वो किसी चार्ज की वजह से है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगा रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से है। और आप ये चार्ज इसके पास लेके आ रहे हो या दूर लेके जा रहे हो, यहाँ पर ये चार्ज क्या है, मूविंग है। सो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज ये हो गया और सेकेंड चार्ज हो गया जिसकी फील्ड क्रिएट हो रही है, मीनिंग देयर बाय दो चार्जेस हो गए। तो दो चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। अब नेचर पर भी डिपेंड करेगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लाइक होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब यहाँ पर ये मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर स्टैटिक चार्ज होगा, मान लीजिए रुका हुआ चार्ज होता, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाती है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाती है, क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंपली कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। सो अगर ये रेस्ट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके ऊपर तब भी फोर्स लगाएगी, मीनिंग देयर बाय हम बोल सकते हैं वेदर इट इज अ मूविंग चार्ज और इट इज अ स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अभी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिंपल वे में मानते हैं वैल्यू जो है उसकी सेम है। ओके, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर अभी यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर और मूविंग चार्ज के ऊपर वो क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ओके, अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। ओके, अब आती है बात मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर किसी वायर के थ्रू करंट पास हो रही है तो इसके अराउंड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। अब मूविंग चार्ज क्या है, पहले आप यहां समझिए, मूविंग चार्ज क्या है, इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ओके, और ये आपने रखा है किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट पास पास रखे। ओके, जब ये दोनों मैग्नेट पास पास रखे हैं तो आपको पता है मैग्नेट में भी लाइक पोल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, और अनलाइक पोल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। सो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड विच इज लाइक अ मैग्नेट, ओके, इज एक्सर्टिंग अ फोर्स, विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, क्योंकि मूविंग चार्ज करंट की तरीके से और करंट क्या प्रोड्यूस करती है, अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड। So there will be two magnetic field or there will be two magnets. So definitely two magnets only. So either they repel or they attract. That means they will exert a force. That means this moving charge will experience a force due to strong magnetic field. अब यहाँ पर moving को अगर हम static कर दें, तो अगर हम static कर दें, मैं बता देता हूँ इसको, static charge. अब static charge is not equal to current. आपको बताया, रुका हुआ charge या static charge वो current के equal नहीं है, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, सो एक हमारा मैग्नेट है और एक हमारा मैग्नेट नहीं है,
यानी एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट नहीं है, तो दैट मींस मैग्नेट और प्लास्टिक के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है नहीं लगता, मीनिंग देयर बाय स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी फोर्स नहीं लगाती। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर लगाती है? केवल मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, क्योंकि मूविंग चार्ज करंट है और करंट से क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या टू मैग्नेट्स के बीच में फोर्स। सो यहां पर एक पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको मैं समअप कर देता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी, चाहे चार्ज रेस्ट में हो चाहे चार्ज मोशन में हो, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज केवल मोशन में होगा तो फोर्स लगाएगी, रेस्ट में होगा तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी। सो हमने ये पढ़ लिया कि फोर्स क्यों लगेगा। अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और अ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका तो पता ही आपको फॉर्मूला, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, देन एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई। ओके, सो दिस चार्ज क्यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, ओके, क्यू ई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये अलग अनाउंस रहेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ई, एफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू व्हिच इज गिवन बाय एफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज और ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हो गया एफ ई इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ठीक है, ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इसका यूज भी किया था। अब हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए, कोई भी चार्ज जो होता है जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रिलेटिवली वीक होती है, किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड डिटेल में आपने पढ़ा था इसको। ओके, सो जो फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर, वो फोर्स क्या होता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स लाएगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम फोर्स लाएगी। दूसरी चीज होती है कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है या चार्ज की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज धीरे से मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड कम फोर्स लाएगी, चार्ज ज्यादा तेजी से मूव करेगा रिलेटिवली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा फोर्स लाएगी। सीधी सी बात है, अगर चार्ज तेजी से मूव करेगा तो चार्ज कम टाइम में मूव करेगा, जब कम टाइम में मूव करेगा तो करंट ज्यादा होगी, जब करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी ज्यादा होगी, जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ज्यादा होगी किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो दोनों के ऊपर या जो स्ट्रॉन्ग वाली होगी वाली के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी। तीसरी चीज है, फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो फोर्स की वैल्यू रिलेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आप उसको रिलेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो फोर्स की वैल्यू रिलेटिवली कम होगी। ये पॉइंट है यहाँ पर। और एक और आता है यहाँ पर कि जो वी और वी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में ले तो इनके बीच में जो एंगल बनता होता है, फोर्स जो होता है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यानी साइन ऑफ दैट एंगल, यानी फोर्स इज दैट के प्रोपोर्शनल साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर आप इन चारों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट के क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, के की वैल्यू यूजुअली यहाँ पर रेफरेंस के लिए ऐसा ही रेंज में सिंपली करी जाती है, वन ली जाती है, एफ का फॉर्मूला आता है आपका क्यू वी वी साइन थीटा। सो ये आता है आपका एफ का फॉर्मूला। ओके, ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड में लगाया है, इसके ऊपर लगाया है मूविंग चार्ज के। सो ये आपका आ गया एफ इक्वल टू, फिर से लिख देता हूँ क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, इसको अभी हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। फिलहाल आप समझिए, यहाँ पर अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, सो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, के इक्वल टू जीरो है। अगर उसकी स्पीड जीरो है, जैसा मैंने बताया अभी स्टेशनरी चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, क्योंकि आप बी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, बी जीरो पुट कर देंगे, देन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कैसे फोर्स लगेगा भाई? तो बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
अब आता है यहाँ पर थीटा। अगर आपका मान लो थीटा क्या है, 0 डिग्री, या कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ओके और चार्ज की जो डायरेक्शन है, आइदर दे आर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल। इफ दे आर पैरेलल दिल मेक 0 डिग्री, इफ दे आर एंटी पैरेलल दिल मेक 5 और 180 डिग्री। सो इन बोथ द केसेस साइन 0 और साइन 180 दैट इज 0, फोर्स विल बी 0। मीनिंग देयर बाय आपसे पूछा जाता है क्या ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज मूविंग हो, हम मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही हो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा है, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा हो सकता है मतलब? सो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे ऐसा संभव है बिल्कुल, चार्ज मूविंग भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां लग रही हो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए, ऐसा तभी संभव है जब चार्ज के मोशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। दैट मींस द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आइदर दे आर पैरेलल और दे आर एंटी पैरेलल, देन मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस और विल नॉट अप्लाई और द चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या रही है, 0 आ रही है। ओके, अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो आपको पता है एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू वी वी साइन 90। व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज 1, इसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 90 पर, तो यानी फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस कंडीशन में कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, कि किस ओरिएंटेशन में रखा हो कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाए। तो आपका आंसर होगा कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड विद राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड और मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई मैक्सिमम फोर्स। इफ इट इज 0 डिग्री या 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू में किसी तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। ओके, 50वें तरीके है पूछने के इसको। ओके, बट सिंपल वे में पूछे जा सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके आंसर जरूर देंगे। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात कर रहे हैं, जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आया एफ क्यू वी वी साइन थीटा, ये केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, यहाँ पर हमें वेक्टर लगाना हो, ये एफ एम है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी एन कैप और वेक्टर को एफ की डायरेक्शन में सिंपली। ओके, तो एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला बना था ए क्रॉस बी, वो था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ओके, एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर क्या है, स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्शन देंगे, इसलिए हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है क्यू और ये है बी, वी फॉर वेलोसिटी, बी वी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इनके बीच का एंगल और एन कैप, यानी ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है इनके बीच का एंगल और एन कैप। ओके, बट यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू स्केलर वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज, ओके, व्हेन इट इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। अब v की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उससे आप फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, रिमेंबर, ओके, फादर मदर चाइल्ड से याद कराया था, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ओके, करंट की कैन टेक पॉजिटिव चार्ज इज देयर वेलोसिटी, नेगेटिव इज देयर अपोजिट टू द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टेक इट बाय दिस फोर फिंगर एंड थंब विल बी रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यानी आप यहां पर ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको यूज ना करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको देख लेना बी कौन सी एक्सिस के अबाउट है, बी कौन सी एक्सिस के अबाउट है, से फॉर एग्जांपल आपका बी है आपका वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अबाउट, तो जे आ जाएगा कुछ यहाँ पर, और ये है आपका सपोज कौन सी एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, के आ जाएगा तो जे क्रॉस के, ऐसा करके कुछ बनेगा। सो आपने पढ़ा कैसे करके क्लास 11 में आई जे के, तो जे क्रॉस के क्लॉक वाइज सीधे तो क्या होता है आई, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगी। अगर आपको पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, इस तरीके से ये पता है अगर आपको, तो यहाँ पर आप
वेक्टर की फॉर्म में रख के वो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको जनरली यूज करना हो तो सिंपली आप लेनी लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसा भी संभव है कि चार्ज पार्टिकल जो हो आपका ऐसे रीजन में हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो यूनिफॉर्म और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो क्या करें? ये तो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक के बारे में अलग और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अलग। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ओके, वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। सो व्हाट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स? इट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स? क्यू ई। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? क्यू V cross B, I wrote in vector form, so you can take Q common, that would be E plus V vector cross B vector. So ये हमारा vector form में formula हो गया force का। okay, force का formula है जबकि charge particle ऐसे region में enter कर रहा है जहाँ पर uniform magnetic field भी और uniform electric field भी है। तो इस तरीके से आज के इस video में आपने पढ़ा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो किन किन कंडीशंस में उसके ऊपर फोर्स लगता है, कितना कितना फोर्स लगता है, ओके, किस ओरिएंटेशन में लगता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आगे बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर। सो इन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, व्हाट्सएप में पूछिए, गूगल क्लास में भी पूछिए, या आपको चाहे तो फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ enjoy the study, okay? I suggest you to enjoy the study and do write your notes on your own and take care, okay? Stay home, stay safe, goodbye, take care.